मेरी यह वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, जो नई नई गार्डनिंग कर रहे हैं और अपने गार्डन को फूलों से भरना चाहते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो है अपने गार्डन में आप अभी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में इन प्लांट्स की कटिंग्स आपको आसानी से नर्सरीज में अवेलेबल हो जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको दिखाते हैं कि इनकी आप हैंगिंग बास्केट भी तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अपने गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। आज थोड़ी सी बारिश जो है हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी, और कुछ जगह पर जो है बारिश आए दिन हो ही रही है, लेकिन हमारे यहाँ भी बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्सलिन और पोर्चुलाका के प्लांट्स, कि उनकी हैंगिंग बास्केट्स आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए। दोस्तों, पर्सलिन और पोर्चुलाका ऐसे प्लांट हैं जिन्हें आप किसी भी DIY प्लांटर या किसी भी हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी बास्केट्स ही खरीद कर लाएँ। आप घर में भी आसानी से हैंगिंग बास्केट जो है बना सकते हैं। जो घर की पुरानी पड़ी हुई सब्जी की टोकरी होती है उनसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने इन्हीं में जो है पोर्चुलाका की और पर्सलिन की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी हो रही है सभी में। तो आजकल बरसात के मौसम है और नर्सरी में आपको पर्सलिन और पोर्चुलाका की बहुत सारी कटिंग्स जो हैं मिल जाती हैं। तो इनकी गड्डियाँ मिलती हैं 10 रुपए के हिसाब से या 20 रुपए के हिसाब से। तो आप उन गड्डियों को लाकर अपने प्लांट अपने गार्डन में जो है ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास मैक्सिमम कलर हैं पर्सलिन के भी और पोर्चुलाका के। मेरे पास हाइब्रिड भी हैं और देसी वैरायटी भी हैं। तो आप अगर एक बार अपने गार्डन में इन प्लांट्स को ऐड कर लेते हैं तो यह हमेशा आपके गार्डन में जो है बने रहते हैं और आपको उनको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप इनके प्लांटर बहुत सारे बनाना चाहते हैं, नहीं तो ये अपने आप ही बीज के द्वारा जो है कई कई प्लांटर्स में जो है ग्रो हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पर्सलिन की भी बहुत सारी बास्केट्स बनाई हैं और पोर्चुलाका के भी बनाई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। यह दोनों ही प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं, तो ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत इन प्लांट्स को नहीं होती है और फुल सन की नीड इनको ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा आप इनको धूप प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा इन प्लांट्स में जो है फ्लावरिंग होगी। और मिट्टी जब आप तैयार करेंगे तो वेल ड्रेन ही तैयार करेंगे। पानी इनकी गमले में जो है रुके ना, जो भी आप बास्केट बनाएँ वो हल्की बनाएँ। तो इस तरह से आप इनकी केयर भी कर सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है।